तो हमारे माइंड में एक ही उसका एक ही उपाय आता है इंसुलिन। अगर हम बात करें इंसुलिन की तो वो कैसे बन रहा है हमें यह जानना है। इसको शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं शिखा श्रीवास्तव सरस्वती बालिका विद्यालय की छात्रा कक्षा 12 से यहाँ आपके समक्ष विषय इंसुलिन फॉर्मेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे हो रहा है उसको बताने आई हूँ। महोदय, अगर हम कोई दो एक जीन डोनर ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल से या कोई भी हो सकता है, और एक प्लास्मिड डोनर ले रही है, प्लास्मिड, अगर हमारे माइंड में आता है प्लास्मिड तो उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? प्लास्मिड वेक्टर होता है, वेक्टर हम लोग ने कई बार सुना होगा, मलेरिया का वेक्टर मॉस्किटो होता है, उसका माध्यम मॉस्किटो है। उसी तरीके से हमारे जो डोनर सेल है उसका माध्यम प्लास्मिड है। हम दोनों डोनर सेल का जीन निकाल के उसे आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है उन दोनों जीन के जीन से जो मैक्रोमोलिक्यूल या प्रोटीन या जो भी अटैच है उसको अलग कर देना। वो आइसोलेशन हम लोग आइसोलेटेड गन के द्वारा करेंगे। उन दोनों जीन को आइसोलेट करने के बाद हम दो नए जीन का उत्पादन करेंगे। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी होता है हेलिकेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वह ऐसा काम करता है कि दो जीन के बीच में एक कट लगाने का वह काम करेगा। इसी तरीके से हम दोनों जीन के आधे आधे टुकड़े को लेके उन दोनों को अटैच करेंगे। उन दोनों को अटैच करने के बाद हमें एक न्यू जीन फॉर्म होगा जिसके अंदर इन दोनों की खूबियां पाई जाएंगी। माने बारे में हम लोग जो प्लास्मिड डोनर है हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल से लेते हैं जो कि इंसुलिन फॉर्म करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए डायबिटीज जैसी बीमारी को काबू में रखता है। उसी प्रकार अगर ये दोनों खूबियां एक साथ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को जब अटैच करने के बाद फिर से कहीं ना कहीं उसके अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन दिखेंगे, तो हमें एक बार फिर उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन के बाद हम उसको एम्प्लीफिकेशन के लिए डालेंगे। एम्प्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस जीन को डालकर उसे अटैच करते हैं। वो अटैचमेंट होगा हमारा लाइगेज एंजाइम के द्वारा। लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो दो जीन को अटैच करने में हेल्प करता है। हम ये तो ये जो हम लोग का डीएनए लाइगेज बाइंड से मिला हुआ डीएनए है इसको लेके हम या तो होस्ट सेल में डालेंगे या जो हम लोग का प्लास्मिड डोनर सेल था उसके अंदर इन दोनों को डालेंगे और इसे हम लोग या तो हम लोग बायो रिएक्टर में डाल सकते हैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अदरवाइज हम लोग इसको मार्केट लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ इंसुलिन मेडिसिन के नाम से। यह तो हमारी बात है इंसुलिन फॉर्मेशन। अगर हम से अभी तक हम बात कर रहे थे इंसुलिन फॉर्मेशन की, अगर हम इसे फार्मर लाइफ या क्रॉप फील्ड में देखते हैं तो इसका नाम आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम सेम प्रोसेस यूज करके या तो कोई नया क्रॉप फील्ड में से यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई नया क्रॉप या कोई वेरिएशन, हम सब जानते हैं वेरिएशन पीढ़ी में बदलाव, अगर हम लोग वह चाहते हैं तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे और सेम प्रोसेस से हम जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का